हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब सैफी। आज मैं लेकर आया हूँ बोस कंपनी का यानी कि टूल्स रोटरी हैमर मशीन, जिसका कोड नंबर है GBH220। चलो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत ही सुंदर ब्रीफ केस मिलता है। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप कहीं साइड वगैरह पर काम करने के लिए जाते हैं, इसमें आपका टूल्स यानी कि सेफ रहता है। साथ साथ अगर आप अपने टूल्स को यानी कि लोग भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक इसमें कुंडा दे रखा है, उसमें आप छोटे वाले लोग भी डाल सकते हैं और इसमें लोग कर सकते हैं। चलो अब हम ढक्कन खोलते हैं। हमें ब्रीफ केस के अंदर क्या क्या सामान मिलता है वो हम निकाल कर देख लेते हैं। और बॉक्स हो गया खाली, इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर हमें एक यहाँ पर यानी कि एक कैटलॉग मिलती है किताब, जिसमें यहाँ पर पूरी पूरी विधि दिखाई गई है। तो मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ। इसमें सभी टूल्स की यानी कि सेटिंग दिखाई गई है, किस प्रकार क्या करना चाहिए, और इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर हमें एक गारंटी कार्ड मिलता है, जो कि हमारी मशीन की 6 महीने की वारंटी है। और यहाँ पर हमें एक अपना बिल मिलता है, जो कि ये हमारा बिल है मशीन का, इसको भी रखते हैं साइड में। और यहाँ पर हमें एक यानी कि मीटर मिलता है लेवल, जिससे कि आपको जितना गहराई यानी कि होल करना है उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और सबसे पहले हम वायर की बात कर लेते हैं। हमारी वायर कितनी लंबी है हमारी मशीन की, वो मैं खोल कर देख लेता हूँ। सबसे पहले हम लेंथ की बात कर लेते हैं, कितनी लंबाई हमारी वायर की। लगभग 4 मीटर की वायर है हमारी हैमर मशीन में। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इन्होंने वायर बहुत काफ़ी लंबी दे रखी है। और यहाँ पर 2 पिन में इनके प्लग दे रखा है और कॉपर वायर है। और अगर हम कलर की बात करें, ब्लू और ब्लैक कलर है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अगर हम वेट की बात करें, 2 किलो 700 ग्राम इसका वेट है। और मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा उसमें क्या क्या फंक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले अपने यानी के बटन की बात कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप इसको ड्रिल मशीन में चला सकते हैं, और अगर आप ऊपर की साइड में अपना कैचर बटन दबाएंगे यानी कि लॉक है इस प्रकार का, यहाँ पर अगर इसे आप ऊपर की साइड करते हैं तो ये हैमर मशीन पर चलेगी। और अगर आप इस साइड करते हैं यहाँ पर राइट साइड में, ये आपकी डेमोनेशन बिट पर चलेगी, वो मैं आपको दिखाऊँगा। और साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑन ऑफ होती है। और इस प्रकार आप यहाँ पर ये जो रेड कलर का बटन दिया गया है, ये लेफ्ट और राइट होती है, जिस प्रकार आपको यानी कि लेफ्ट साइड चलानी है या राइट साइड चलानी है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर एक इसमें हैंडल दिया गया है, हैंडल सा आप इसको यानी कि इसका आप बैलेंस संभाल सकते हैं। और यहाँ पर ये जो रेड कलर का बटन दिया गया है, इसमें यहाँ पर जो ये मीटर हैगा, इसको लगाना होता है इस तरह से। ये जो आप इसमें यहाँ पर दंते देख रहे हैं, ये नीचे की साइड कर्न होते हैं, जो कि मैं आपको कर दिखाऊंगा। इस तरह से यहाँ पर आप दाब कर इस तरह से ये आप अपना लगा सकते हैं। अब ये लॉक हो गया, अब ये नहीं सरकेगा। इस तरह से ये बटन लगता है यहाँ पर, इस तरह से देख रहे हैं आप, ये होता है। और मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। इसमें हैमर मशीन 3 साइज में आती है, यानी कि 20 mm है, 22 mm है और 26 mm है। जो अपनी हैमर मशीन हैगी, ये 22 mm में हैगी। अब मैं इससे आपको थोड़ा बहुत वर्क कर दिखाऊंगा, जैसे कि ड्रिल मशीन से काम कैसे करते हैं और हैमर से कैसे करते हैं और डेमोनेशन बिट से कैसे काम करते हैं। हमें अपनी हैमर मशीन को यानी कि ड्रिल मशीन के चलाने के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। हमें एक ड्रिल चक की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें मैं आपको पूरी पूरी सेटिंग करके दिखाऊंगा किस प्रकार ये लगाया जाता है। और यहाँ पर डायमोनेशन बिट चलाने के लिए हमें कौन सी बिट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि मेरे पास ही है। ये देख रहे हैं, ये हमारे पास ड्रिल चेक है। और यहाँ पर ये हमारे पास हैमर अड़ावट है, इसको हम देसी भाषा में अड़ावट बोलते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसकी उल्टी चूड़ी चढ़ती है इस स्क्रू की, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये मैं खोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि खींच रहे हैं।
और यहाँ पर इस तरह से ये लगता है। और इसका जो लगाने का जो तरीका होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिकंजा, इसमें आप इसको बिल्कुल खाली कर लेंगे यहाँ पर इस प्रकार। ये हमारा खाली हो गया और यहाँ पर हम इसको यानी कि राइट साइड घुमाएंगे, ये सीधी चूड़ी से चढ़ेगा आपका इस तरह से, जो कि मैंने आपको दिखाया, और उसको हम टाइट कर लेंगे। यहाँ हम अपने अडावट को यानी कि टाइट कर लेंगे, ये टाइट हो गया। और यहाँ पर हम अपना जो नट होगा इसको हम उल्टी चूड़ी से यानी कि खिंचाई करेंगे इसकी, और हम यहाँ पर पेंचकस लगा कर खींच देंगे। ये खिंच गया। अब हमारा यानी कि ड्रिल तैयार है, इसमें हम बिट लगा लेते हैं वुड का और फिर आपको होल करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम कोई सा बिट ले सकते हैं, यहाँ पर हम 9mm का बिट ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा ड्रिल बिट तैयार हो गया है और मैं आपको दूसरे बिट दिखाता हूँ। ये हमारे पास दो प्रकार के बिट है, ये छेनी वाला बिट है जो कि आप देख रहे हैं, और ये भल्ले वाला बिट है। ये झिरी खोलने के काम आता है और ये लेंटर वगैरह तोड़ने के या ईंट तोड़ने के काम आता है। मैं आपको उसके ऊपर लंबाई भी चेक करके दिखाता हूँ कितनी लंबाई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल लंबाई 10 इंची है, और वैसे अगर बात करें यहाँ पर 8 इंची है। मैंने आपको अभी ड्रिल चक और यानी कि छीनी वाले बिट और भल्ले वाले बिट जो कि दिखाई, ये मैं आपको वीडियो बताऊँगा ये आपको कहाँ से परचेज करने हैं।
मैंने आपको रोटरी हैमर मशीन में पूरी पूरी जानकारी दी। आपको ये मशीन कहाँ से परचेज करनी है? पानीपत टूल्स एंड फास्टनर्स, शॉप नंबर 40 रेलवे रोड, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा। आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर भी नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो में मज़ा, हमारी वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।